सब्सक्राइब करें मेवात टाइम। लॉकडाउन के चलते सब्जी मंडी के लिए छूट के आदेश हैं, लेकिन इसके बावजूद मंडी विक्रेता फिलहाल की स्थिति से काफी परेशान है। पुलिस प्रशासन गांव से दुकानदारों को शहर आने नहीं दे रही है, जबकि दूसरी तरफ मंडी के 10 बजे तक खोलने की छूट है, लेकिन जब दुकानदार ही नहीं होंगे तो मंडी को खोलने का क्या फायदा। इस तरह कोई स्पष्ट जानकारी न होने से पुलिस प्रशासन, दुकानदार, मंडी विक्रेता और जनता सब कंफ्यूज हैं। प्रशासन ने बोला है कि 10 बजे तक मंडी लगाओ और भीड़ भाड़ ना आने दो, पर हमारे यहाँ गांव की दुकानदार ये भीड़ भाड़ तो होती है, मंडी खुलते ही तुरंत भीड़ भाड़ चालू हो जाती है। अच्छा। तो अब हम चाहते हैं कि या तो गांव के जो दुकानदार उन्हें आने दिया जाए, नहीं तो इस मंडी को बंद करा दिया, सील बिल्कुल बंद करा दिया जाए। हमारे यहाँ दुकानदार नहीं होती, ना हमारा सामान बिकता, सामान बिल्कुल खराब हो रहा है। आप देखो सामान सारा यूं ही बिखरा रोड पे। एक मिनट मैं सामान दिखाता हूँ। ये सारा सामान हमारा यूं ही बिखरा रोड पे, देखो तो इसको फेंकना पड़ रहा है इनके लिए, क्योंकि पीछे से ग्राहक को, दुकानदारों को आने नहीं दिया जा रहा है। और यहाँ पर इनको 10 बजे तक खोलने की इजाज़त, 10 बजे तक खोलने की इजाज़त दी है, पर वो भी उन्होंने दिए कि बस भीड़ मत होने दो और कम से कम ज्यादा भीड़ मत लगाओ। और पर गाँव के दुकानदारों को आने नहीं दिया जा रहा, अगर वो आएंगे तभी हमारी दुकानदारी होती है। यहाँ गाँव की दुकानदारी, शहर की कोई दुकानदारी नहीं है। अच्छा, और यहाँ अगर कितने गाँव तकरीबन यहाँ लगते हैं? 100 गाँव लगते हैं, और 100 गाँव लगते हैं कम से कम हमारे। अच्छा, अगर तो सुबह से, सुबह की कितनी बजे आप लोगों ने मंडी आज खोल ली? सुबह हमने यहाँ 6 बजे, तो उसी वक्त से ग्राहक और दुकानदार 6 बजे तक दुकानदार है। दुकानदार सब्जी तो लेके जाएंगे, बच्चे भूखे रहेंगे, बिल्कुल बिल्कुल, लेडीज तो आएंगी, जेंट्स नहीं आएंगे तो। और यहाँ सब्जी फेंकी जाएगी, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। हमने सब भाइयों ने अपने डिसीजन ले रहे हैं कि हम मंडी बिल्कुल सील करेंगे, बिल्कुल बंद करेंगे, हम नहीं खोलेंगे। मेवात की तमाम अहम खबरों के लिए मेवात टाइम्स टीवी का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें।